कनाडा, मुझे हमेशा प्राउड होता है, हमेशा मैं परमपिता परमेश्वर के साथ जब भी मैं बातें करता हूं, जब भी मैं उनसे मिलता हूं, जब भी मैं देखता हूं, हमेशा से मैं एक ही बात मुझे फील होती है कि हे परमपिता परमेश्वर, दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर, दुनिया की सबसे पावरफुल टीम आपने मुझे दिया, एक से बढ़ के एक दमदार लीडर। सभी लोगों के नाम मैं पॉसिबल नहीं ले पाऊंगा, लेकिन पूरे हमारे टीम में और अल्टीमेट अचीवर के अंदर जितने भी हमारे लीडर्स हैं और मेरी जो टीम है, उस टीम की पावरफुल डिसीजन की वजह से, मजबूत इरादों की वजह से इस टीम ने आज हमें यहां तक पहुंचाया। और आज मैं जो भी बना हूं, मेरे अपलाइनों के आशीर्वाद से और टीम के असीम मोहब्बत से, ये योगेश यादव का नाम है। एक अनजान नाम था, गुमनाम नाम था, कोई जानता नहीं था, लेकिन स्कूल में भी जब नाम लिखा जाता था तो उसमें वाई नाम सबसे पीछे आता था, सबसे नीचे, कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। लेकिन इस परमपिता परमेश्वर के असीम आशीर्वाद की वजह से, सिस्टम कंपनी की वजह से और हमारे अप्लाइनों के आशीर्वाद से और टीम के मोहब्बत से, आज मैंने 15.5 साल का ये छोटा सा जो अचीवमेंट लिया है, जीरो से लेके एक 800 रुपए के मोबाइल से लेके 1 करोड़ रुपए की BMW X5 तक का सफर हमने यहां तक तय किया, एक टाइटन घड़ी से लेके और रोलेक्स जैसी 13.5-14 लाख रुपए की घड़ी तक का सफर तय किया, और एक छोटे से किराए के कमरे से लेके और बहुत बड़ा आलीशान मकानों तक, बहुत सारी प्रॉपर्टियों तक का जो सफर तय किया, वो सब सेफ शॉप की कृपा और सब अल्टीमेट अचीवर का एजुकेशन, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की पावर एजुकेशन और हमारे ग्रेट मेंटर्स का आशीर्वाद लगातार कंटिन्यू साथ रहा। दोस्तों, आज का एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम टॉपिक जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि टाइम कम है और बातें हमें बहुत ज्यादा करनी है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर आज हम जरूर बात करेंगे। दोस्तों, ये जो टाइम आया है, जो कोविड टाइम आया है, ये ऐसा समय आया है जो समय हमारे लिए एक आने वाले समय की बड़ी क्रांति जो है ये हमारे जीवन में लेके आया है। इसको किस तरह से एक अपॉर्चुनिटी के रूप में मान के हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, ऐसा बोला जाता है। जब हम आज देखते हैं कि हाउ टू स्टार्ट सेफ शॉप बिजनेस ऑनलाइन, ऑनलाइन हम सेफ शॉप बिजनेस को किस तरह से करें, क्योंकि कोविड से पहले का जो एक चैप्टर था, एक अध्याय था, वो बिल्कुल अलग था। कोविड से पहले की सोच अलग थी, वही मीटिंगें, उसी तरह से माइक होना, उसी तरह से सेमिनार होना, उसी तरह से जो है एंकरिंग करना, उसी तरह से प्रेजेंटेशन देना, उसी तरह से तालियां बजाना, और वो सारा का सारा जो सेटअप है लगातार 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान रसरी आवाज जाते सिल पर प्रतनिशान। लगातार जब हम अभ्यास करते जाते हैं तो हम लोगों को वो सारी की सारी चीजें जो लगातार कंटिन्यू हम करते जाते हैं तो उनके हम हैबिचुअल हो जाते हैं, आदत हमें पड़ जाती है, और हमें लगता है कि बिजनेस यदि निकल सकता है तो वो सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म से निकल सकता है, उसी तरह से निकल सकता है, उसी रास्ते से निकल सकता है। लेकिन दोस्त, हर 5-7 सालों के अंदर वक्त ने हमेशा से करवट ली, समय हमेशा बदला है, और जब जब समय बदला है तब तब हम लोगों को भी बदलना पड़ा है। कंपनी ने हमेशा पिछले 15 सालों में हमने देखा, कंपनी ने बहुत बार बदलाव किए, सिस्टम ने हमें देखा, सिस्टम ने बहुत बदलाव किए। महागुरुजी नरसिंह ग्रेवाल साहब को हमने देखा, ट्रेमेंडिस बदलाव इन्होंने किया, और लगातार कंटिन्यू इस बदलाव की बदौलत आज पूरे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इतना बड़ा नेटवर्क आज सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, महागुरुजी श्री संजय जैन साहब और महागुरुजी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का जो इतना बड़ा नेटवर्क बना है, ये हमेशा कंटिन्यू टाइम टू टाइम के ऊपर हमेशा बदलाव करते रहे। आज फिर बदलाव की जरूरत है। आज कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेसों को ऑनलाइन शिफ्ट किया, बहुत सारे लोगों ने, आज सबसे ज्यादा यदि कोई परेशान है, सबसे ज्यादा यदि ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ रहा है तो उसका बढ़ रहा है जिसका मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा लगा हुआ है और वो ऑनलाइन नहीं, क्योंकि कोई भी लोग आज जिस तरह की पैनिक स्थितियां बनी हुई है, उस स्थिति के अंदर हर आदमी डरा हुआ है। डरना मतलब सक्सेस भी होना है। अब उस स्थिति के अंदर ऑनलाइन ही ये व्यापार जो है ये हमारे सामने है, और इसको हम किस तरह से बेस्ट टू बेस्ट करके हम इसको डेवलप कर सकते हैं। हमने महागुरुजी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब को 3-4 दिन पहले हमने सबसे पहले ये कमिटमेंट लिया था अल्टीमेट अचीवर ने, और हमने ये वादा किया था कि सेफ शॉप के अंदर सबसे पावरफुल यदि नेटवर्क, महागुरुजी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब को हमने बोला था, हमारे महागुरुजी को हमने ये कमिटमेंट किया था अल्टीमेट अचीवर की तरफ से, सबसे पावरफुल यदि
ऑनलाइन के अंदर पूरी सेफ शॉप के अंदर यदि कोई नेटवर्क डेवलप होगा सबसे बड़े तेजी से यदि अचीवमेंट आएंगे सबसे पावरफुल यदि नेटवर्क को यदि अचीवमेंट दिलाएंगे तो वो ऑनलाइन के माध्यम से सबसे पहले मागुरु जी अल्टीमेट अचीवर दिलाएगा। ये हम आपसे वादा करते हैं और इस बात की जिम्मेदारी हम लेते हैं और इस बात की जवाबदेही हम लेते हैं। मागुरु जी आज पूरा अल्टीमेट अचीवर पूरा हिंदुस्तान आज जुड़ा हुआ है और आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह से ऑनलाइन को हम अच्छे से बढ़ावा देके और किस तरह से हम लोग इसको बड़ी बड़ी सक्सेस की तरफ लेके जा सकते हैं। एक गोल्डन स्टेटमेंट जो मैंने पढ़ा सुना समझा तो मुझे लगा कि उस गोल्डन स्टेटमेंट से ही मीटिंग की शुरुआत मुझे करनी चाहिए। अगर आप सीखने को तैयार हैं तो भगवान भी आपकी मदद करने को तैयार है, क्योंकि बचपन से लेके अब तक हम हमेशा सीखते रहे और जब जब हम सीखते रहे तब तब हमेशा अपडेट रहता है। एक मोबाइल होता है, मोबाइल हमेशा अपडेट होता है, हर दो महीने में एक महीने में अपडेट होता है। हर चीज को हम लोग अपडेट करते हैं, टीवी को हम अपडेट करते हैं, हम अपने छोटे छोटे किचन में कोई छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको हम लोग जो है अपडेट करते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर को हम अपडेट करते हैं। तो दोस्तों अभी अपडेट करने की जरूरत हमको भी है। इसमें लिखा है अगर आप अपने सीखने को तैयार है तो भगवान भी आपको मदद करने को तैयार है, अगर आप सीखने को तैयार नहीं है तो कोई भी आपकी मदद करने को तैयार नहीं है, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे पहले हमको खुद को मदद अपनी लेनी पड़ेगी, सबसे पहले हमको खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा और जब तक हम खुद इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक किसी भी सूरत के अंदर हम मार्केट में अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते। तो दोस्तों यदि हमें प्रूव करना है और ये जो 2021 का टाइम आया है 2021 का जो टाइम आया है ये टाइम हमें किसी भी सूरत में इम्प्रूव करने की अपने आप को डेवलप करने की हम लोगों को इस समय पर कमांड दे रहा है, इस समय पर हमको अलर्ट कर रहा है कि इस समय अपने आप को इम्प्रूव करिए। 2021 के अंदर आज जहां भी देखें आज हिंदुस्तान में सभी जगह पूरे दुनिया में लोग अपने घरों पर हैं, सोशल मीडिया पे हैं, यूट्यूब पर हैं और सभी लोग जाना आना रिश्तेदारियां शादियां तक इवन पंडित जी महाराज तक फेरे तक जो करवा रहे हैं वो ऑनलाइन करवा रहे हैं। पूरी दुनिया बदल गई है तो इसका मतलब अब हमको भी अपने बिजनेस को लगातार कंटिन्यू ऑनलाइन के ऊपर लाना पड़ेगा और इसके माध्यम से बड़े बड़े अचीवमेंट्स की तरफ हमको लेके जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इंप्रूव करने में सबसे पहले हम लोग तैयार हैं, अल्टीमेट अचीवर सबसे पहले हमेशा तैयार रहा है। आज हम चार टॉपिकों पे बातें करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा कि हम बिजनेस को ऑनलाइन कैसे शिफ्ट करें, उसमें सबसे पहली जो चीज रहेगी वो रहेगी जो हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ द लीडर, क्योंकि ये टोटल बिजनेस जो हमने देखा है ये लीडर के रोल पे चलता है। लीडर क्या रोल हमेशा अपना प्ले करता है बहुत कुछ मायने रखता है इस बात में। नंबर टू, ऑनलाइन बिजनेस जो एक वरदान की तरह आया है हमारे जीवन में, इस वरदान को किस तरह से हम लेके अपने जीवन में और अपने नेटवर्क को किस तरह से हम एक बहुत बड़ी प्रगति की तरफ हम आगे लेके जा सकते हैं। तीसरा, एक लर्निंग की तरफ, हम सीखने की तरफ हम लोग रेडी है कि नहीं, तो इसके ऊपर आज हम बातें करेंगे। और चौथा, बिल्ड योर बिजनेस, बिजनेस को ऑनलाइन तरीके से कैसे हमें बिल्डअप करना है इसके ऊपर हम लोग बातें करेंगे। तो ये चार टॉपिक हैं दोस्तों, इन चार टॉपिकों पे आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारे सामने वो आता है द रोल ऑफ लीडर। सबसे पहले हमको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो इंडस्ट्री है ये टोटल और टोटल लीडर की सोच के ऊपर चलती है। मागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब ने, मागुरु जी श्री देवेंद्र शर्मा साहब ने, मागुरु जी श्री सुनैलाल साहब ने जब जब मेरी मुलाकात हुई तब तब इन्होंने एक ही बात बोला है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर किस्मत वाला कोई यदि कोई है तो वो है मेहनती लीडर। एक लीडर यदि अपना रोल बखूबी निभाता है तो उस स्थिति के ऊपर हजारों लाखों लोगों का जीवन बनता है। और सर ने एक बात और बहुत गजब की बताई थी और उस दिन से वो बात मुझे याद है। सर ने बोला था कि एक लीडर यदि जिम्मेदारी नहीं ले रहा और उसकी टीम में लोग जिम्मेदारी लेके काम कर रहे हैं तो एक लाइन बोली गई है, सकल पदार्थ है जग माही कर्महीन नर पावत नाही। अब जो बंदा मेहनत नहीं कर रहा, जो बंदा काम नहीं कर रहा, इसका मतलब कर्महीन नर पावत नाही,
ये लाइन बोलती है कि कर्म नहीं करने वाला नर कभी भी कुछ भी पा नहीं सकता, पुरुषार्थ को पा नहीं सकता। पुरुषार्थ यदि वो नहीं करता है तो सिद्धियों को पा नहीं सकता। बड़ी बड़ी सक्सेस की हम बातें कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए की बातें कर रहे हैं, तो महागुरु जी ने बोला था कि यदि कोई लीडर खुद कर नहीं रहा और उसकी टीम में कितने भी बढ़िया लीडर आ गए और वो कितने भी तेजी से काम कर रहे हैं, तो महागुरु जी के 20 साल की तपस्या का फल है। उस शब्द में हजारों किताबें सर ने पढ़ी हैं और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बड़े बड़े राइटर हुए हैं उनको पढ़ लिखने के बाद उन्होंने वो बात बोली है, और एक्सपीरियंस है सर का। उस बात को मैंने पकड़ा था क्योंकि मैं खुद साहित्य का स्टूडेंट था और मुझे अच्छे से पता चला था इस बात का कि कर्म ही नर पावत नहीं, यानी कि मैं मेहनत नहीं करता हूं लगातार कंटिन्यू, मैंने लगातार पूरे जीवन भर मैंने मेहनत करने का डिसीजन क्यों लिया था, आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। मेरे गुरु जी की उस बात से प्रेरणा लेकर गुरु जी ने बोला था कि मेहनत यदि लीडर नहीं कर रहा और टीम में आज यदि मेहनती लोग हैं भी, टीम में यदि कोई लीडर तेजी से काम कर भी रहे हैं, नेटवर्क के अंदर बड़े से बड़ा काम चल भी रहा है या लोग मेहनत कर भी रहे हैं और एक मैन आदमी मेहनत नहीं कर रहा, तो किसी भी सूरत में उन लोगों की मेहनत का फल भी उनको नहीं मिलने वाला है। उन लोगों की मेहनत भी बेकार चली जाती है जब एक मैन लीडर अपने घरों में बैठता है। क्यों बैठता है वो आदमी घर पे, और नीचे वाले लोगों की मेहनत क्यों बेकार गई है? इसलिए गई है कि नीचे के लोग कितने भी मेहनत कर ले, यदि मैन लीडर मेहनत नहीं कर रहा तो उसका तो जीवन बन जाएगा। सकल पदार्थ है जग माई, कर्म ही नर पावत नहीं, उसने तो कर्म किया ही नहीं, फिर पावत कैसे है? यह एग्जाम्पल है, हजारों लोगों को हमने देखा, हमारे गुरुजों ने एग्जाम्पल से समझाया कि ये वो लोग थे जिन्होंने अपने एक लेवल पर आकर मेहनत बंद कर दिया। टीम मेहनत कर रही थी, कोई सिल्वर लेवल पर, कोई गोल्ड लेवल पर, कोई पर्ल लेवल पर, कोई टोपाज पर, कोई एमराल्ड पर, कोई रूबी पर, कोई डायमंड पर, कोई डबल डायमंड पर, कोई ट्रिपल डायमंड पर, कोई वीनस पर, कोई मरकरी पर, किसी भी लेवल के ऊपर यदि आप मेहनत बंद करते हैं, हर लेवल पे कुछ रोल बने हैं, उन रोल्स को लगातार कंटिन्यू अदा करना चाहिए। जैसे बचपन से लेके और मृत्यु शैया तक जाते जाते भी हर इंसान हर मुखिया अपना रोल अदा करता है, और उसी तरह से एक लीडर को भी अपना रोल लगातार अदा करता रहना चाहिए। तो दोस्तों, लगातार कंटिन्यू जब सर से वो बात पता चली थी, हमेशा मेरी रूह कांप उठती रहती है, मेरे रोंगटे खड़े रहते हैं कि मैं यदि मेहनत नहीं करूंगा तो शायद बहुत सारे लोगों का जो जीवन है वो भी खराब हो जाएगा। और हर आदमी को इसी तरह से सोच के आगे अपने पुरुषार्थ को करना चाहिए। अब लीडर का रोल क्या है? रोल, सबसे पहला रोल जो लीडर का है, जो ऑनलाइन के टाइम पे हमें देखना है, हम लोगों को इस समय यूनिटी का रोल अदा करना है। ये जो टाइम है, इस टाइम के अंदर हम लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अल्टीमेट अचीवर के हर लीडर को, सेफ शॉप के हर लीडर को, इस समय के ऊपर, ये जो पैनिक स्थिति पूरी दुनिया में बनी हुई, ये पूरी स्थिति आज सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप में नहीं बनी, ये पूरे इंडस्ट्री के अंदर बनी हुई है, पूरी दुनिया में बनी हुई है। यहां पर एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए, यहां पर एक दूसरे का मॉरल हाई हमें करना है। यहां पर जब भी कोई आदमी हताशा की, निराशा की बात करता है, तो वहां पर एक दूसरे की यदि बातें तोड़ने वोड़ने की बातें करता है, तो वहां पर एक लीडर का रोल है। इस समय लीडर के हजारों रोल है, लेकिन आज हम जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑनलाइन इस टाइम पे हम लोगों का क्या क्या रोल है, उस रोल के ऊपर मैं थोड़ा आपके साथ हाईलाइट कर रहा हूं। तो हमेशा एक दूसरे को जोड़ने का काम करना है, एक दूसरे को जोड़ के रखना है, हम लोगों को तोड़ने की राजनीति नहीं करनी है। तोड़ने के बिजनेस में नहीं है हम लोग, जोड़ने के बिजनेस में। दूसरा आता है, लीडर का काम है लोगों को और अपनी टीम के लोगों को हर हाल में उत्साहित रखना, सुबह से लेकर रात तक। पहले हमारे पास टाइम नहीं होता था, पहले हम लोग मार्केट में जाते थे, जॉब में रहते थे, नौकरी करते थे, और भी बहुत सारे काम थे, फील्ड में जाते थे, ट्रैफिक में रहते थे, आना जाना और बहुत सारे काम रहते थे। आज हमारे पास टोटल और टोटल हम घर पे रह रहे हैं, घर पर हम लोग जुड़े हुए हैं, तो इस समय पर अपनी टीम के अलग अलग ग्रुप्स को, दो दो लोगों के, तीन तीन लोगों के, पांच पांच लोगों के ग्रुपों को हम लोगों को उठा उठा के अपनी कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में, ऑनलाइन कैसे बिजनेस हो सकता है आगे मैं बताऊंगा, इन सब चीजों के बारे में उन लोगों को प्रेरणा देनी है। सर, मार्केट के अंदर 200-200 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी खरीद खरीद, लोगों ने होटल खोले, लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, लोगों ने
बड़े बड़े इंडस्ट्रियां खोली, सारी की सारी धराशाई पड़ी है, लाखों करोड़ों रुपए उन लोगों का ब्याज ब्याज जा रहा है। हम कितने किस्मत वाले, आप सोच के देखिए, हम कितने किस्मत वाले हैं कि ऐसे टाइम में भी हमारे पास हमारा बिजनेस खुला हुआ है, जो कि हमने कोई भी लागत नहीं लगाई। नौकरी जॉब प्रोफेशन की बात करें, लोगों ने 15-15, 20-20 एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो करोड़ रुपए लगाने के बाद 50,000-1,00,000 रुपए की लोगों ने नौकरियां ज्वाइन करी थी। ऐसे सैकड़ों मेरे दोस्तों को मैं जानता हूं जो हमारे टच में आए पिछले 15 सालों में, और लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद उनकी जॉब जो है वो अनिश्चित काल के लिए चली गई। उनकी जॉब्स जो है वो इनकम जो है वो 20-20, 30-30, 40-40, 50-50% जो है उनकी जो जॉब की जो इनकम थी वो वापस चली गई। हम कितने एक्साइटेड है, हम लोग कितने उत्साहित है कि हमें हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल बिजनेस मिला जिसका नाम है सेफ शॉप, जहां पर घर बैठे रह के हम एक दूसरे को प्रेरणा दे सकते हैं, हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, हम एक दूसरे को बहुत ही जबरदस्त तरीके से सिस्टम के साथ जोड़कर उनको लगातार कंटिन्यू जितनी भी जो कलाकारी बनी है, एक एक लीडर का किस तरह से हम लोग चेक बढ़वा सकते हैं, एक एक लीडर का किस तरह से हम इनकम बढ़वा सकते हैं, ये वाली कलाकारी लगाकर हम लोगों को पूरा ध्यान देकर एक लीडर का जो रोल है उस रोल को हमें अदा करना चाहिए। उसके साथ में अगली जो बात आती है, हर अवस्था में हम लोगों को हिम्मत से काम लेना है, खुद हिम्मत रखनी है और हिम्मत देनी है। लीडर का रोल क्या है, जब भी मैंने लीडर का रोल पढ़ा वहां पर हमेशा मैंने ये देखा है कि स्थितियां और परिस्थितियां ये एक्चुअल में लीडर की दमदारी को चेक करने के लिए आती है। लाखों करोड़ों रुपए कमाने के हम प्लेटफॉर्म पर है, करोड़ों रुपए का हम व्यवसाय करने की बातें कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का हम लोग मकान बनाने की बातें कर रहे हैं, आने वाले टाइम में जनरेशन टू जनरेशन हमारा बिजनेस चले ऐसा हमारा सपना है, ऐसा हम सोच रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आया नहीं, थोड़े से चैलेंजेस आए नहीं, 4-5 लोगों ने मना किया नहीं, और वहां पर हमारा पेशेंस जो है वो डगमगा जाता। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मेरे को 15 दिन हुआ है सर, बताओ सर लोगों को जोड़ने की टेक्निक बताओ। अरे प्रभु, 15 दिन हुए हैं आपको, अभी 15 दिन के अंदर आप करोड़पति बनाने की लाइन में क्या समझाऊं आपको, कैसे समझाऊं? महागुरु जी, लोगों के पास लगातार लोग मैसेज करते हैं, फोन करते हैं कि सर बताओ क्या करना है। इसका एक सिस्टम, इस पूरे सिस्टम के लगातार कंटिन्यू फॉलो करके आप उस चीजों तक को तक पहुंचते हैं और वो सारी चीजें आपकी ये पूरी कायनात दे पाती। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को इंप्रूव करना होता है। आज जितने भी लोगों को आप अचीवमेंट देख रहे हैं, एक बार आप इनका टाइम ड्यूरेशन देखें, एक बार आप इन लोगों का कमिटमेंट देखें, इन लोगों से ये जानने और समझने की कोशिश करें, चेक करें इनके अंदर हिम्मत कितनी है। आप कोई भी हल्की बात करके देखें, किसी भी तरह की हल्की बात करके देखें, उस स्थिति के ऊपर भी आप इनकी हिम्मत देखिए। मागुरु जी देवेंद्र शर्मा जी को देखिए, इनके सगे चाचा जी के लड़के परसों की डेट में एक्सपायर हुए, 2 दिन नहीं हुए एक्सपायर हुए, लेकिन किसी को भी क्या एहसास हो रहा है कि यहां पे किसी के घर में एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है। आज भी वो हमें हिम्मत दे रहे, आज भी हम हमेशा वो बुलंद इरादों के साथ में रखे हुए। हमेशा से एक बात हमको समझना बहुत जरूरी है और हर लीडर को यह समझना जरूरी है, हमने सिर्फ सीढ़ियों तक, हमें यदि छत तक जाना है तो रास्ता सिर्फ हो सकता है आपको सीढ़ियों से जाना पड़े। जाना है जिनको छत तक, उनके लिए सीढ़ियां बनाई है, लेकिन जिनको जाना है दोस्तों बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे, या बोला जाए जिसकी नजर हो आसमां पे, तो उसको रास्ते खुद बनाने हैं। आसमां पे जाने का मतलब सीढ़ियां नहीं बनी है वहां, अपनी दमदारी के साथ, अपनी हिम्मत के साथ, अपने जज्बातों के साथ, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के, जब एक बार हमने निर्णय ले लिया कि वंश का इतिहास लिखेंगे, जीवन को बनाएंगे, बहुत बड़ी इनकम करेंगे, अपने टीम में आने वाले एक एक लीडर की गरीबी को खत्म करेंगे, जो भी बंदा दमदारी से काम करेगा तन मन के साथ, उसकी हर इच्छा जो वो चाहता है उसकी हर इच्छा को हम पूरा करेंगे, जब ये डिसीजन आपने लिया है, तो मेरे दोस्त किसी भी अवस्था के अंदर हिम्मत के साथ काम लेना है, टीम को हिम्मत देना है। स्थितियां कैसी भी बनती है, परमपिता परमेश्वर को हमेशा से मैंने एक ही बात बोला कि हे मेरे भोलेनाथ, हमेशा आप सिर्फ और सिर्फ सांस बकसना, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद लगातार बस बनाए रखना, कोई भी ऐसा काम मत मुझ मेरे हाथों से करवाना जहां से मैं अपने बड़े ट्रांसफार्मरों से दूर हो पाऊं,
बस उसके बाद सारा का सारा काम आपने दो हाथ दिए हैं, आपने पैर दिया है, आपने सारा जिगर में जिगला दिया है, तो फिर उसके बाद आपके आगे भी किस बात की मांगे। आपका आशीर्वाद ही साथ होना यह दुनिया की सबसे बड़ी बुलंदियों को पाना है। हमेशा से सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का आशीर्वाद हर लीडर पर रहा है। आप यदि बड़ी ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, हर स्थिति में अपने आप को हिम्मत दें, अपनी टीम को हिम्मत दें। बहुत सारे लोग इस कोविड टाइम के अंदर परेशान होकर घूम रहे हैं, रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, रोज जो है ज्यादा ज्यादा वो वहां मर गया, वो वहां मर गया, वो वहां मर गया। अरे भैया, जिसने जाना है वो जाएगा, लेकिन अपनी दमदारी के साथ, अपने प्रोटेक्शन को बरते हुए, अपने प्रॉपर तरीके से कोविड के जितने भी प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करते हुए परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद ले और एक ही बात बोले, मैं सारे कोविड के रूल्स को और आने वाले टाइम में जीवन है, पता नहीं कैसी कैसी किस किस तरह के कोविड जिंदगी में आएंगे। आज एक छोटा सा कोविड आया है, आने वाले टाइम में पता नहीं भगवान जी किस किस तरह की प्रलय रखे, क्योंकि सृष्टि इसकी, दुनिया इसकी है। हम और आप कौन है? हमारा आप जो आत्माएं हैं वो एक तरह से खुद एक किराए के मकान में है। ये मकान जो है, ये बॉडी के रूप का जो मकान है, ये उस परमपिता परमेश्वर का है। जब उसने दिया है तो छीनने का अधिकार भी उसके पास है। अपने को चिंता क्यों करनी है? चिंता नहीं करना। बोला है भगवत गीता में, आप सारे लोग भगवत गीता देते हैं लोगों को, खुद पढ़े। भगवत गीता में बोला है कि हर आत्मा जो आई है वो जाएगी भी, जो चीज जानी है उसकी चिंता नहीं करना। दमदारी के साथ जो हमारे वो हाथ दिए हैं, अपने को आंखें दी है, बॉडी दिया है, अपनी गरीबी को खत्म करना, अपने वंश के परिवार में आप एक मुखिया होने के नाते एक बार देखे, आपके बच्चे भूखे सो रहे हैं, आपके बच्चों के ऊपर लगातार कंटिन्यू कर्जा चढ़ रहा है, आपके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है। अपने माँ बाप को अच्छी खुशहाल जिंदगी दे सकते हैं, वो रोल एक्चुअल में हमारा है। हम उस रोल को अदा करें, बाकी चीजों की टेंशन नहीं ले, अपनी टीम को डेवलप करने में काम ले, हिम्मत से काम ले, हिम्मत दे, हिम्मत से हम आगे बढ़े। सभी को हर तरह से तैयार रहना है, क्योंकि सफलता बड़ी है तो चुनौतियां भी बड़ी होंगी। सक्सेस जब बड़ी है तो चुनौतियां भी बड़ी होंगी। एक बात आप समझ लें, एक रास्ते में सपोज कीजिए आपको एक बिना पहिए का ट्रक मिल जाए, ट्रक, और वो भी सोने का भरा हुआ, तो क्या आप उस ट्रक को उठा के जेब में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। उस ट्रक को घर पे लेके जाना है, कैसे लेके जाएंगे? माल बड़ा है तो इसका मतलब चुनौती भी बड़ी आएंगी। जिगरे को बड़ा करो। मां गुरु जी ने हमेशा एक ही बात बोला, मैं मां गुरु जी सुनेलाल साहब के पास जब जाता था, उनके ऑफिस में मां गुरु जी श्री देवेंद्र शर्मा जी लेके जाते थे, मैं बहुत बार हताश हुआ, मैं कम से कम 50 बार रोया हूं। देवेंद्र शर्मा साहब की गोदी में लेट लेट के जी घबराता है, परेशानियां होती है। जीरो से हीरो तक का सफर, एक रुपया हमने लगाया नहीं है, करोड़ रुपए कमाने की बात कर रहे हैं। कौन कमाता है यार करोड़ रुपया? कौन कमाता है? किसके पास है BMW? बड़े बड़े लोग इस धरती के, बड़ी बड़ी जो अपने आप को आसामी पार्टियां बोलते हैं ना, वो हिम्मत नहीं बना पाते, बड़ी बड़ी गाड़ियों खरीदने की हिम्मत नहीं बना पाते। यहां पर इस बिजनेस की खूबसूरती देखिए, 3 महीना काम करके आदमी बोलता है मैं भी साला BMW लूंगो, 1 मिनट में बोल देता आदमी मैं भी BMW लूंगो। तो BMW लूंगो तो जिगर को भी तगड़ा करना है, इसको भी दमदार करना है। BMW चलाना है, BMW जब चलती है ना तो भाई साहब उसको चलाने के लिए भी जिगरा चाहिए। साला एकदम 8,000 रुपए की जब डीजल डलता है ना, 500 किलोमीटर के अंदर जड़ा के राख कर देता है उसको, वो सुखा देता है, जैसे तपती दोपहरी के अंदर पानी सूख जाता है, ऐसे जब वो चलती है तो 8,000 रुपए के डीजल को 500 किलोमीटर में एकदम चर्र करके फूंक देती है। जिगरा है उसमें, इंजन पावर। तो अपने को भी उसी तरह से, अपना जो इंजन है दिखने में आप कैसे लगते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़े लिखे आपके कितने हैं नहीं फर्क पड़ता, जिगरा पावरफुल बनाइए, तगड़ा पावरफुल बनाइए। जब तक लीडर में पावर नहीं होगी, जब तक अंदर से जिगरा पावरफुल नहीं होगा, हम आने वाली जो बातें करने वाले हैं मेरे दोस्त, उन बातों में दमदारी नहीं डाल पाएंगे, उन लोगों को भविष्य नहीं दे पाएंगे। एक आदमी को प्लान बताने जाते हैं, ज्वाइन कराने जा रहे हैं, 10 रुपए का 1,000 रुपए का चेक लेने नहीं जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो आदमी क्राउन बने, हम चाहते हैं वो आदमी डायमंड बने, हम चाहते हैं वो आदमी बड़ी सक्सेस ले। तो वो सक्सेस कैसे लेगा, किसके साथ लेगा? दमदार और पावरफुल, पावरफुल लीडर के साथ लेगा। तो ये बात हमेशा हमको ध्यान देनी है, तो इस बात का अपने को ध्यान देना है, दमदारी के साथ हमेशा रहेंगे। ये लीडर के रोल थे जो कुछ मैंने बताया। दूसरा, आज लगातार कंटिन्यू
हमने विचार किए, सर लोगों से बातें करी, महागुरु जी से लगातार कंटिन्यू इस बात पे डिस्कशन चल रहे हैं, लगातार महागुरु जी लगातार बातें कर रहे हैं कि ऑनलाइन शिफ्ट करना है, क्योंकि जब तक वैक्सीन कंप्लीट पूरे हिंदुस्तान को नहीं लगनी है तब तक ये पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह से या इस तरह की स्थिति चलती रहेगी। लेकिन क्या फिर हाथ पे हाथ रख के बैठा जाए, क्या फिर इंतजार किया जाए? और जब इंतजार हमने कर भी लिया तो उस स्थिति में बहुत सारे लोग इस 2 महीने 3 महीने 4 महीने 1 साल ऑलरेडी जा चुका है, दूसरा साल प्रगति पे है। बहुत सारे लोग आज सच मायने में देखे, पहले लोग मिलना चाहते थे, पहले लोग डेवलप होना चाहते थे, पहले लोग आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन आज हर बंदा ये चाहता है कि उससे जो भी संपर्क हो वो ऑनलाइन हो। हर बंदा ये चाहता है, पहले बोलते थे आजा यार मिल ले, अभी आप किसी को भी फोन लगाओ, आप उसको बोलो कि यार चाय पीने का मन कर रहा था, बोला भाई घर में रहो, कोई भी मिलना चाहता, किसी भी सूरत में कितना भी यारा प्यारा हो मिलना कोई नहीं चाहता। तो सर अगले 2-4-5-6 महीने में ये जो चीजें लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिकल आप देखने की कोशिश करेंगे तो आने वाले टाइम में हर आदमी जो है अब आपसे मिलना नहीं चाहेगा, डर का माहौल बनेगा। आगे अब हम उस स्थिति में किस तरह से ऑनलाइन बिजनेस को जो एक वरदान है इसको हम उपयोग करके और बड़ी सक्सेस ले सकते हैं। अब ये वरदान कैसे है? पहले तो इसको बात समझना जरूरी है। सबसे पहली बात, ये वरदान ऐसे है कि आप ऑनलाइन के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस को फैला सकते हो। पहले क्या होता था, आपका कोई प्रोस्पेक्ट मिला, आपको बंबई जाना है तो बंबई की आपको टिकट बनवानी पड़ेगी, आपको वहां पर जाना पड़ेगा, 10-12-15 घंटे आपको वहां पहुंचना पड़ेगा। सर वरदान नहीं है तो क्या है? आप उसको एक प्लान बता के, कोई श्योरिटी नहीं थी वो आदमी ज्वाइन करता कि नहीं करता, लेकिन आपका पैसा भी खर्च होता था, आपका टाइम भी खर्च होता था, आपका आने जाने में बॉडी भी जो है प्रोडक्टिविटी जो थी वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती थी, और वहां पर रिजल्ट भी कोई जरूरी नहीं थे। आज हम पूरे हिंदुस्तान में घर बैठे बैठे ऑल इंडिया में अपने वेन्यू चला सकते हैं। अब वेन्यू बोल रहे सर वेन्यू कैसे चलेगा? अरे भैया ऑनलाइन चलेगा वेन्यू, अभी आगे देखते जाओ, पूरे भारत में व्यापार करने का मौका हमारे पास है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, व्यापार कॉस्ट फ्री व्यापार साबित हो रहा है। अभी पहले आप बाहर जाते थे, रेस्टोरेंट में जाते थे, होटल में जाते थे, ट्रेवलिंग करते थे, एंट्री फीस देते थे और साधन चेक करते थे, मोटरसाइकिल उठाते थे, मोटरसाइकिल में पेट्रोल देखते थे, आपके जूते जो है वो धुले कि नहीं धुले, आपके कपड़े जो है उसको प्रेस हुई कि नहीं हुई, यदि प्रेस नहीं हो रखी है तो आप मीटिंग कैंसिल कर देते, बहुत सारे लोग कैंसिल कर देते थे। आज हमारे पास एक वरदान की तरह, आज हम इन सब खर्चों को देखें, हम इन सब एक्टिविटीज को देखें तो आज ऑनलाइन में हर आदमी आने और जाने में हो सकता है एक आदमी का 2 घंटे का टाइम लग जाए। यदि सपोज कीजिए आप जयपुर के रहने वाले हैं और जयपुर या फिर जयपुर के 30 किलोमीटर दूर के रहने वाले हैं, या दिल्ली के आप 20 किलोमीटर दूर के रहने वाले हैं, या फिर आप बंबई कलकत्ता चेन्नई मद्रास जाके भी आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है और वहां से आप वेन्यू में जाते, वहां जाने आने में बहुत सारा टाइम आप आदमी सोचता था, जाने जाने के टाइम में तो प्लान कंप्लीट हो जाएगा, जाने जाने के टाइम में तो वो आदमी अपनी हर प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान देकर सारे काम ज्यादा से ज्यादा कर सकता है। तो ऑनलाइन के टाइम पर हमारे सारे खर्चे इस समय खत्म हो चुके हैं। प्रोस्पेक्टिंग के लिए ये एक बहुत अच्छा समय। कोई दुकानदार था 8 बजे से लेके और शाम को 5 बजे तक वो बोलता था कि मेरे पास टाइम नहीं, आज हर बंदा घर पे बैठा। कोई बिजनेसमैन थे, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 की सैलरी पे कोई लोग थे, प्राइवेट सेक्टर में थे, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। प्राइवेट सेक्टर का जो बंदा था आज उसको सैलरी गारंटी से या तो 50%, और यदि कोई हल्का एम्प्लॉय था, यदि किसी के पास 10 एम्प्लॉय थे, 2 को हो सकता है 50% पे रख रहे हो, बाकी 80% को कुछ ना कुछ स्टोरी सुना के उन लोगों को अपने घर पे भेज दिया गया। लेकिन उनके घर के खर्चे कम नहीं हुए, उनकी दाल रोटी कम नहीं हुई है, खाना पीना कम नहीं हुआ है, घर के अंदर जो खर्चे होते हैं वो कम नहीं हुए। सबसे ज्यादा चिंता एक गरीब आदमी को उतनी चिंता नहीं होती जितनी चिंता 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 रुपए वाले को होती है, क्योंकि उसका जो स्टैंडर्ड बना हुआ उस स्टैंडर्ड को वो किसी भी कीमत के ऊपर अपना मेंटेन करना चाहेगा। इस समय मौका है प्रोस्पेक्टिंग करने का उन लोगों के साथ जो अच्छी कैटेगरी के लोग हैं, इसके ऊपर मैं खुल के बात करूंगा अगले टॉपिकों के ऊपर। तो प्रोस्पेक्टिंग के लिए बेस्ट समय है।
वो आदमी चाहता है वो सक्सेस, बस हमको उसके साथ कनेक्टिविटी करनी है। ऐसे लोगों को किस तरह से कनेक्ट करें, ऐसे लोगों को किस तरह से अपने पैनल के साथ जोड़ें, अपनी टीम के साथ जोड़ें, उसके ऊपर हम आगे डिस्कशन करेंगे। मन चाहे लोगों को इस व्यापार में ला सकते हैं, इवन आपके गांव के बड़े से बड़े बिजनेसमैन, आपके मोहल्ले के बड़े से बड़े बिजनेसमैन। बिजनेस का मतलब वो कर्जे में है, बिजनेस का मतलब इस समय वो परेशान है, बिजनेस का मतलब इस समय वो किसी भी सूरत में रास्ते ढूंढ रहा है कि कोई मेरे व्यापार को आगे बढ़वाए, कोई मेरे घर की स्थितियों को ठीक करवाए। ट्रेडिशनल मार्केट में आप जानते हैं हर आदमी हालचाल जरूर पूछता है, और आजकल व्यापारी व्यापारी से कैसे हालचाल करता है, और भाई क्या हाल है, बोला ठीक है यार मेरी तो हालत खराब हुई पड़ी है, तेरा क्या कुछ चल रहा है, बोला बस पूछो मत साला, अच्छा आया सरकार कैसे तैसी हो गई, मोदी कैसे तैसी हो गई, ये कोरोना साला पता नहीं कहां से आया, चाइना के कीड़े पड़ेंगे, उसके ये होगा वो होगा, सब गाली दे रहे। तब उसको थोड़ा सुकून फील होता है, मेरा नहीं चल रहा, चलो कोई बात नहीं, बाजू वाले का भी नहीं चल रहा। अरे उन सारे के सारे जिनका चल नहीं रहा, उन लोगों तक पहुंचने यदि हमने बना ली, टाइम बिल्कुल फ्री पड़े 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 सुबह से लेकर शाम तक दबा दबा के माल खा रहे हैं, और ट्रेन की तरह हुए पड़े, गए बाथरूम में शुशु करके आए फिर सीट पे लेट गए। ऐसे ही अभी प्रेजेंट में मिलना जुलना बंद है, चौपाल में बैठना बंद है, पंचायत में बैठना बंद है, गार्डन में बैठना बंद है, फिर क्या कर रहा आदमी, वही कर रहा है जो आप कर रहे हो, पूरी दुनिया वही कर रही है। तो उस स्थिति पे टाइम ही टाइम पड़ा है, लोग इंटरनेट के ऊपर न्यूज सुन रहे हैं, यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, उल्टी सीधी चीजें देख रहे हैं, कोई नाटक देख रहा है, नेटफ्लिक्स जैसे, अमेजॉन प्राइम जैसे, जी जितने भी ये हैं, सारे के सारे चैनलों ने सबको ऑनलाइन कर दिया। पिक्चरें आप देखो, अभी अभी आपके सामने सलमान खान की मूवी लॉन्च हुई राधे, ऑनलाइन भाई साहब व्यापार कर गया बंदा, उसको देख देख के अब सारे आ रहे हैं, पिक्चरें ऑनलाइन रिलीज हो रही है, उनको पता है सिनेमा घर भैया और नहीं खुले 2-3 साल तो अपने बच्चों को कौन पालेगा। सलमान खान के सेरा की सैलरी 1 करोड़ रुपए साल की, कौन देगा बेचारे को। भैया हर आदमी अपनी व्यवस्था बना रहा है, एज ए मुखिया होने के नाते अपने टीम के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ नेगेटिव बात नहीं करें। इस समय पर ये जो ऑनलाइन बिजनेस है, इसको एक वरदान की तरह इसको लेकर किस तरह से अपने परिवार को, अपनी टीम को और अपने लीडर्स को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके ऊपर क्रांति लाना है, अपना दिमाग का पूरा पावर इस बात पे यूज करना है। परमपिता परमेश्वर ने पावरफुल माइंड दिया है हमको, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। हर तरह के आदमी को लाया जा सकता है, किसी समय लोगों को प्लान दिखाया जा सकता है, टाइम की कोई समस्या नहीं, रात के 12-12 एक दिन रात सो रहे हैं लोग। पहले तो आदमी थकता था, प्रोडक्टिविटी इतनी जबरदस्त होती थी उसकी, माइंड से परेशान रहता था आदमी, आया रोटी खाई लेट गया, कितना सोएगा, इतना सो चुके हैं लोग अभी उनकी आंखें बंद नहीं हो रही। रात को 12-12 1-1 बजे 2-2 बजे लोगों को ऑनलाइन देखो, गया व्हाट्सएप पे ऑनलाइन पड़े, कोई किसी को कुछ कर रहा, खाली दिमाग शैतान का घर है। हर बंदे के घर वाले ये चाह रहे हैं कि भैया कैसे न कैसे करके कोई ना कोई धंधा मिले, ये साला पड़ा पड़ा खा रहा है और आराम से बेड तोड़ रहा है। इस समय एक मौका है हर बंदे को अपॉर्चुनिटी देने का, कभी भी प्लान दिखाया जा सकता है, जब मन करे उस समय प्लान दिखाओ। लोगों को घर जाने की जरूरत नहीं, इसलिए लोग बहाने नहीं लगा पाए, आप घर जाते भाई साहब मैं तो वो हूं, अब सुबह बोला हाँ भाई साहब फ्री हो, बोला नहीं भाई साहब फ्री नहीं हूं, कब फ्री हूंगा दोपहर, फिर कॉल ठोक दो, आगे बताऊंगा कैसे, 2 घंटे बाद फ्री हो जा, 2.5 घंटे बाद फ्री हो जा, 3 घंटे बाद फ्री हो जा, 4 घंटे बाद हो जा, 8 बजे हो जा, 9 बजे हो जा, 10 बजे हो जा, रोटी खा के हो जा, रात को हो जा 11:30 बजे मूवी देख रहा है उस टाइम पे। फॉलोअप बराबर से बातें करूंगा आगे से, फॉलोअप के ऊपर कैसे ज्यादा ज्यादा फॉलोअप में हम रिजल्ट निकालेंगे। तो लोगों को बहाना लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इस समय बहाना नहीं लगा सके। महिलाओं के लिए यह बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत आसान होगा, कोई चुनौती नहीं। बहुत सारी हमारी माता बहने, बहुत सारी लेडीजे ट्रेनिंगों में जाती थी, उनके हस्बैंड मना करते थे, 90% लोगों के हस्बैंड और परिवार के लोग इसलिए मना करते थे कि आपको बाहर जाना पड़ेगा और बाहर लोगों की आदतें खराब है। अभी प्रेजेंट में जितनी महिलाएं हैं, ना तो वापसी घर आने की चिंता, ना रोटी बनाने की चिंता, ना किसी तरह घर पे परिवार में पति क्या कहेगा, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। कईयों के पति बोलते थे तू आ जा
के क्या करती है मुझे सब पता है, उसको बोल नुको बैठ जा रामू, बैठ यहां बैठ, अब देख मैं क्या कर रही हूं। तीन दिन बैठा दो पतिदेव को, उसको पता चल जाएगा बिजनेस कितना पावरफुल है, और जहां ये जाती थी कितने अच्छी जगह पर जाती थी और कितना पावरफुल बिजनेस में जाती थी, जहां पर लोग अपनी जिंदगी बदल रहे। मेरे दोस्त, बहुत सारी लड़कियां काम नहीं कर पाती थी। महागुरु जी हमेशा बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री महिलाओं का बिजनेस है, बातें करने का बिजनेस है, एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा जितनी महिलाएं हैं, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो ऑनलाइन जुड़ने में, ऑनलाइन चीजों को सीखने में वो बेचारी थोड़ा सा अपने आप को कमजोर फील करती। घबराने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन के पूरे प्लेटफॉर्म अल्टीमेट अचीवर लगातार कंटिन्यू महागुरु जी लोगों के आशीर्वाद से कंटिन्यू लगातार चलेंगे, और हमारा अल्टीमेट अचीवर का हर सदस्य हमने वादा किया है ऑनलाइन के अंदर पूरे सेट शॉप में हमारी टीम नंबर वन रहेगी, एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के, एक एक पुरुष महिला को, लड़के लड़कियों को, माता बहनों को, एक एक को पकड़ पकड़ के ऑनलाइन कैसे डेवलप करना है इसकी हमारी जिम्मेदारी है, हमारे डायमंड्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम प्रॉपर तरीके से तैयार करेंगे, उनको सिखाएंगे। बहुत आसान हो गया महिलाओं के लिए ये बिजनेस। ऑनलाइन काम करने से समय और थकान की समस्या बिल्कुल खत्म हो गई। लोगों को बोलते थे मेरे पास टाइम नहीं, मैं थका हुआ हूं, मैं परेशान हूं। अब परेशान की कोई कहानी नहीं, अब परेशान एक चीज से है, सैलरी नहीं आ रही। अब परेशान लोग जो पहले बोलते थे आई डोंट लाइक दिस बिजनेस, 50,000 कमाता था उसको लगता था धरती का सबसे बड़ा जो है ना जो है वॉइस राय मैं ही हूं। लेकिन मेरे दोस्त अभी भाई की हालत खराब हो गई होगी। बहुत सारे लोग बड़े बड़े, एक अभी टीवी एंकर एक एक्सपायर हुआ था, एक देखा था स्टेटस मैंने किसी का, उसमें लिखा था वो भी 8 लाख रुपए महीना कमाता था, 1 करोड़ रुपए साल का उसके पास भी आता था, और सेफ शॉप के डायमंड जो कैपिंग के ऊपर है उनका भी 1 करोड़ रुपया आता था। लेकिन आज दोनों में से यदि स्थिति हम देखें तो उस बंदे के पास आज भी इनकम आ रही है और उसकी अगले दिन से ही बंद हो गई। आप सारे लोग जानते हैं इस स्थिति को कि ये जो बिजनेस है ये पैसिव इनकम लगातार कंटिन्यू ला सकता है। कोविड के दौरान भी लगातार 2-2 लाख रुपए की कैपिंग कंटिन्यू ये बिजनेस दे रहा है। यदि मैं टीचर होता 2,000 रुपए का चेक नहीं बनता भाई साहब, 2,000-5,000 रुपए की इनकम नहीं आती। यदि आज प्राइवेट टीचर बहुत सारे मेरे सामने बैठे हुए मुझे सुन पा रहे हैं, उनको अच्छे से पता है आज पेरेंट्स, बड़े बड़े पेरेंट्स जिनकी लाखों रुपए इनकम थी, आज किस तरह से सैकड़ों टीचर हमारे साथ में है वो बोल रहे हैं सर बड़ी बड़ी इनकम वाले लोग, बड़ी बड़ी स्कूलों में जो पढ़ाते थे कोविड के दौरान बच्चों की फीस भरने में नाकाम हो रहे। वाई? यदि उनके पास इतना ही पैसा होता, इतना ही ज्यादा पैसा और होता, लगातार कंटिन्यू दे रहे होते। लेडीज एंड जेंटलमैन, बाहर से आज कुछ भी है, आप प्रॉब्लमों को समझो, लोगों के जूते में पैर डाल के अपने आप को फील करो। इस समय कितनी जरूरत है लोगों को डेवलप करने की, लोगों को इस समय पैसा कमाने की, हमको माध्यम बनना है। और ये ऑनलाइन बिजनेस एक अभिशाप नहीं, ये टाइम अभिशाप हो सकता है लोगों के लिए। सेफ शॉप के रूप में, ऑनलाइन बिजनेस के रूप में हम लोगों के लिए वरदान साबित करेंगे। और ये ऑनलाइन बिजनेस जब वो बाहर निकलेगा अपनी नौकरी जॉब पे, जब वो वापस लौटेगा, फिर वो उसको आश्चर्य होगा कि दोबारा हो सकता है 50,000-1 लाख रुपए उसके साथी लोगों को नौकरी मिल नहीं रही, उसको नौकरी मिल नहीं रही, लेकिन यहां से वो अपना बहुत बड़ा नेटवर्क बना चुका होगा। उसके साथ बहुत सारे लोगों की लिस्ट है, वो आगे हम लिस्ट में बातें करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सारी प्रॉब्लम जो है, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है, इनको प्रॉब्लम ना मान के इनको हम वरदान की तरह माने और अपने बिजनेस को तेजी से जो है वो हम आगे की तरफ हम बढ़ा के जा सके। अगला जो पार्ट आता है, तीसरा, वो आता है हाउ टू स्टार्ट सेफ शॉप बिजनेस ऑनलाइन। तीसरा जो चैप्टर था हमारा, 2 चैप्टर मैंने क्लियर किया आपके साथ में, और तीसरा जो चैप्टर है वो है ये वाला। मैंने आपको बोला था कि ये 4 टॉपिकों पे हम बातें करेंगे कि रोल ऑफ लीडर, ऑनलाइन बिजनेस एक वरदान है। तीसरा टॉपिक आता है गेट रेडी फॉर लर्निंग, यानी लर्निंग के लिए, सीखने के लिए यदि हम लोग तैयार हैं तो इसका मतलब अब हम लोगों को कुछ बातें हैं जो हमको समझना है। सबसे पहली चीज, हम लोगों ने जो ऑनलाइन जिस बात पर ध्यान देना है वो है लिस्ट मेकिंग। सबसे पहले आप लिस्ट बनाइए, लिस्ट कम से कम डायरी के अंदर 100 लोगों की मिनिमम से मिनिमम लिस्ट बनाओ। उसके बाद प्रोफाइल का विशेष ध्यान दें। कल का जो मैं चौथा पार्ट, इसके अलावा जो चौथा पार्ट रहेगा वो मैं कल पूरा करूंगा। उस कल में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से लिस्ट बनाकर किस किस तरह से प्रोफाइल पे काम किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट बनाए प्रॉपर तरीके से, प्रोफाइल का विशेष ध्यान दें। क्यों ध्यान दें? क्योंकि जिनके पास 5,000-7,000-8,000 रुपए की सैलरी थी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको मैं अच्छे से कल डिस्क्राइब करूंगा,
जिन लोगों के पास 5,000, 7,000, 8,000 रुपए की सैलरी थी, जो हर महीना कमाते थे और अपना घर का खर्चा चलाते थे, आप उनके साथ, आपकी टीम यदि उनके साथ लगातार काम करेगी, तो उन लोगों को इस समय अपनी दाल रोटी की चिंता है, बिजनेस की चिंता नहीं है। हमको प्रोफाइल को पकड़ना है, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, क्या जिनके पास फैमिली बैकग्राउंड मजबूत है बट इनकम नहीं है, हमको उस प्रोफाइल की लिस्ट बनानी है 100 लोगों की। फिर उनको कैसे प्लान बताना आगे बताओ, लिस्ट डायरी में बनाना है, मोबाइल के अंदर भी यदि लिस्ट बनती है आपकी कोल्ड लिस्ट, सपोज कीजिए व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस लगाया, उसके ऊपर किसी का रिवर्ट आया, किसी का मैसेज आया, फोन आया, मुझे भी बताओ, आप जल्दबाजी में हो, ऑन स्पॉट उसका स्क्रीनशॉट लें, मोबाइल के अंदर उसका नाम दोबारा से रीनेम डालें और उसका नाम एक कोड बनाएं आप, जैसे गेस्ट, GUEST, उसका नाम फिलहाल था रवि कुमार, आपने मोबाइल में डाल रखा था, लेकिन जैसे उसने हालचाल पूछा, जैसे उसने बोला कि यार बड़े बड़े इनकम दिखा रहे हो, बड़े बड़े हीरो ऑफ द वीक दिखा रहे हो, बड़ी बड़ी चेक दिखा रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ, उसका नाम अपडेट प्रोफाइल में जाओ और रवि कुमार को एडिट करके गेस्ट रवि कुमार और नीचे डेट लिख दो, इस डेट पे इस आदमी ने मुझसे पूछा, और अपने डायरी के अंदर उसका नाम लिखो, रात को ही उसको प्लान बताओ, कल ही उसको प्लान बताओ, कैसे बताया जाएगा वो आगे बताऊंगा मैं आपको। तो कॉल लिस्ट पर से बड़ा काम होगा। अपनी टीम के अंदर जो लोग ज्वाइन हुए, एक आदमी प्रोफेसर ज्वाइन हुआ, एक लेक्चरर ज्वाइन हुआ, आपके पास अच्छी प्रोफाइल नहीं है, कॉलेज प्रोफेसर कोई जुड़ा, टीचर कोई जुड़ा, बैंक का कर्मचारी जुड़ा, कोई पुलिस का आदमी जुड़ा, उसके पास हजारों की संख्या में अच्छी प्रोफाइल की लिस्ट है, जूम पे लो उसको, तुरंत बैठ के अपनी डायरी में उसके नाम लिखो, वो नहीं लिखेगा डायरी, अपनी डायरी के अंदर 100 लोगों की लिस्ट बनाओ। कैसे बनेगी वो आपको अच्छे से पता है, लिस्ट कैसे बनेगी ये मुझे नहीं बताना यहां पर, मैं आपको बोल रहा हूं अच्छी प्रोफाइल में कैसे एंट्री करना है। ऑलवेज एड योर लिस्ट मेंस, मागू जी श्री देवेंद्र शर्मा जी ने MAN डाला था, हमने इसमें एस और लगा दिया, क्योंकि एस सोशल मीडिया आ गया अभी, एम फॉर मनी, मनी से रिलेटेड, पैसे की कोई दिक्कत नहीं हो, नंबर टू अथॉरिटी उसके पास हो, नंबर थ्री नीडी हो, हर बंदा नीडी आज की डेट में, चौथा ऐसा आदमी जो व्हाट्सएप चलाता हो, हर आदमी व्हाट्सएप चलाता हो, फेसबुक चलाता हो, इंस्टाग्राम चलाता हो, जिसको लगातार कंटिन्यू बैठा बैठा पड़े 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 कहीं ना कहीं अपनी फोटो लाइक कर रहा है, दूसरों की लाइक करवा रहा है, अपनी करवा रहा है, दूसरों की कर रहा है, ऐसे जो लोग है ना, वो इसका मतलब ये है उनको इस समय पर खाली टाइम पर अचीवर यदि हमने बना दिया, तो वो लोग एक्चुअल में सोशल मीडिया के अंदर जिस तरह घुस रहे हैं, जब वो अचीवर बन जाएंगे तो बहुत बड़ा काम होने लग जाएगा। व्हाट्सएप चलाता हो, ऑनलाइन जीमेल, क्योंकि जूम पे भी लाना है उनको, यूट्यूब पे भी लाना है, इसके अलावा उनको फेस टाइम पे भी लेके आना है, वीडियो कॉलिंग पे भी लेके आना है, ऑनलाइन के अंदर सारी चीजें चलेंगी अभी धीरे धीरे। तो वो बंदा जो बटनों का फोन यूज करता है उसको अभी अवॉइड करना है, बटन का फोन, आज भी बटन वाला फोन यूज करते हैं ना, कहीं बोले सर आप जूम पे आ जाओ, भाया या जूम को नहीं समझ में आवे के है, मारे तो घर आके डीडी ले जा तू, साला तेरी डीडी के चक्कर में कोरोना से मरना थोड़ी है। अभी लिस्ट पे काम होगा, वो लिस्ट जब बढ़ेगी, ऑनलाइन बिजनेस कैसे जाना है, हिंदुस्तान में पब्लिक की कोई कमी नहीं है, हम लोग बोल रहे हैं साहब लोग नहीं आ रहे, तो ये लोगों का रोना नहीं रोना है हमने किसी भी सूरत में। नंबर टू, प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट से और प्लान के बीच की दूरी है ये, जैसे गिलोट से अलवर के बीच में, बीच में जितने स्टेशन आते, ऐसे ही लिस्ट से लेके और प्लान दिखाने के बीच का स्टेशन है जिसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। इस प्रोस्पेक्टिंग के दौरान आप अपने स्टेटस पे चेक लगाते हो, आप अचीवर लगाते हो, हीरो ऑफ द वीक लगाते हो, उसमें चेक करो किस किस लोगों ने ये देखा, कौन कौन उसमें रिएक्शन कर रहे हैं, कौन कौन आपकी चीजों के ऊपर भाव, उसको इसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, उस बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से वीडियो आप लगा रहे हो, वीडियो आप उनके पास भेजे, बातें शुरू करें, चार पांच लोगों से हालचाल से ही आप लोग शुरू करें, है ना। फिर वो बोलते रहते हैं आजकल यार आपकी मैं फोटो देखता हूं, पहले दिन ही नहीं करें, पहले दिन ही उसको प्लान बताने की बातें नहीं करें, आप अपने प्रोडक्टों की डिस्कस करें, अपने स्टेटस पर अपने प्रोडक्ट लगाएं, बहुत सारे नोनी का प्रोडक्ट हो गया, आपका एलोवेरा हो गया, तुलसी हो गया, आपके दुनिया भर के स्मार्ट स्टार प्रोडक्ट हो गए, इनकी वीडियो वगैरह स्टेटस पर लगाएं, ये स्टेटस पर लगा लगा के जिस तरह से लोग आपसे सवाल करते हैं, तुरंत आप उनको प्रोस्पेक्टिंग में लेके आओ और प्लान की तरफ आगे बढ़ाओ। कोई भी प्रोडक्ट हो गया, अचीवमेंट हो गया, स्टेटस पे लगाओ, कोई सवाल होता है, कोई बातें होती है, आप तुरंत उनके साथ डिस्कस करो। तीसरा पार्ट आता है इनविटेशन। इनविटेशन में तीन बातें आपको ध्यान रखनी है।
हम कोई पेट्रोल खर्च नहीं कर रहे, हम कोई टिकट खर्च नहीं कर रहे, हम कहीं आ जा नहीं रहे। सबसे पहली बात, हमको हताश नहीं होना है। SW5 रूल हमेशा काम करता है। समिल डू, समिल नॉट डू, समिल कम, समिल नॉट कम। कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। किसी भी शुमत कीमत पर किसमें जैसी शकल नहीं बनानी है। क्या करें, हमारे साथ तो कोई जुड़ी नहीं रहा, क्या करें, हमारे साथ तो कोई आ ही नहीं रहा। अबे हिम्मत बुलंद रख महाराज, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनूंगा मैं। अरे आज नहीं आ रहे, सीखो, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट इस समय नॉलेज मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट इस समय नॉलेज मिल रही है। महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल साहब, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के भगवान, हर रोज हमें दर्शन दे रहे हैं। यार ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। आपके अपलाइन, डायमंड अपलाइन रोज आपसे मुलाकात कर रहे हैं। सीखिए, ये वक्त सीखने का है। आज इन्विटेशन नहीं हो रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, सीखिए तो सही। क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सबसे पहले की लाइन, सबसे पहले की लाइन याद करो। सबसे पहले की लाइन में हमने डिस्कशन किया था, अगर आप सीखने को तैयार हैं तो भगवान भी आपकी मदद करेगा, अगर आप सीखने को तैयार नहीं है तो कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। मेरे दोस्त, ज्यादा से ज्यादा इन्विटेशन करें, SW5 रूल आप काम करें, काम करेगा, पता होना चाहिए आपको। अपनी टीम के लीडर्स को पता करें, फोन पर बात करें, इनवाइट करें, जूम पर रोजाना ज्वाइन करें मीटिंगों को, वहां पर बहुत सारी ट्रेनिंग है। महागुरु जी श्री देवेंद्र शर्मा जी का चैनल है, मिस्टर देवेंद्र शर्मा करके, आप उसको सब्सक्राइब करें। आप उसके अंदर सैकड़ों उसके अंदर वीडियो पड़ी हुई है, एक एक वीडियो, इनविटेशन कैसे करें, फॉलोअप कैसे करें, कैसे बातें करें। महागुरु जी ने कितनी मेहनत कर करके वो वीडियो वहां पर बनाई हुई है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के दूसरी कंपनियों के लोग कहां से कहां पहुंच गए। कल मैं 5-7 दिन पहले, एक डायमंड है, उस डायमंड को मैं सुन रहा था। उस डायमंड ने बोला कि सेफ शॉप का एक बड़े लीडर है मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी, आज से 4 साल पहले मैंने उसकी वीडियो सुनी थी और आज मैं उनकी वीडियो सुन सुन के डायमंड बन गया। अरे द्रोणाचार्य का काम कर रहे हैं हमारे महागुरु जी, एकल विशाले डायमंड बन रहे हैं। सोचो आप, यहां पर अर्जुन डायमंड नहीं बन रहे, कमाल की बात है। हम, हमारे पास सब कुछ है और हम दूर ढूंढ रहे हैं। महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल साहब, नरसिंह ग्रेवाल साहब का एक पर्सनल जो चैनल है जिसके ऊपर हमने हाथ जोड़ जोड़ के, महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब कभी भी यूट्यूब पर नहीं रहे, हमने हाथ जोड़ जोड़ के, मैंने कहा सर आप पूरे अल्टीमेट अचीवर में पूरी सेफ शॉप के जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके टीम में आज 500 से ज्यादा डायमंड है, हर डायमंड क्या क्या कर रहा है, किस किस तरह कर रहा है, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, उन क्वालिटीज का फायदा लेके किस तरह से हमारे लोग भी फायदा ले लें। तो आप एक चैनल बना के, सबसे आसान माध्यम है उनकी वीडियो ट्रेनिंग लेकर आप यूट्यूब पर डाल दें और उससे हम लोग लगातार कंटिन्यू, हमारी टीम कंटिन्यू सीखती रहेगी। लेकिन कई पट्टे क्या कर रहे, अपना ही चैनल बनाना शुरू कर दिया। अरे भगवान जी, डायमंड बनना है कि यूट्यूबर बनना है, सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है। क्योंकि लीडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तुरंत हम रस्ते से भटकते हैं। ये चीज जब अभी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम नहीं चल रहा, जब मीटिंगें नहीं चल रही, तो कोई तो माध्यम होगा ना जिसके माध्यम से नेटवर्क को डेवलप करेंगे हम। वहां पर हम लोगों को इनिशिएट करना है, अपने अपने नेटवर्कों को, अपनी अपनी टीमों को डेवलप करना। अल्टीमेट अचीवर का एक चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करें, उसके ऊपर वीडियो पड़ी हुई है बहुत सारा। रामकिशन यादव जी की 8 स्टेप ट्रेनिंग से आप सीखे, पवन जी की ट्रेनिंग पड़ी हुई है दुनिया भर की। इन चैनलों के माध्यम से आप लोग अपनी और अपनी टीम की दमदारी वाली क्वालिटी अंदर डेवलप कर सकते हैं। अगले एक साल में महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब ने यह प्रतिज्ञा की है, ये प्रण लिया है, ये डिसीजन लिया है कि डायरेक्ट सेलिंग में हमारी टीम के लिए इतने टूल्स हम अवेलेबल कर देंगे, सीखने वाला होना चाहिए। यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक वो किसी भी सूरत में पहुंचेगा, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद साथ है, टूल्स साथ है, एजुकेशन साथ है, तो नियत और साथ हो गई तो फिर सारा काम हो जाएगा। तो इनविटेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को करें। चौथा जो चैप्टर आता है वो आता है शो द प्लान। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम आज एक्स्ट्रा जाएगा, क्योंकि बीच में हम लोग स्किप नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा 10-15 मिनट आप बने रहिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले दोनों, जिसके ऊपर मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। हर बंदा चाहता था 1-to-1 मिली मुलाकात, हर इंसान चाहता था
मीटिंगों में जाएं, हर आदमी चाहता था फंक्शनों में जाएं, वहां से जो है नॉलेज लेंगे, वहां से सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों अभी टाइम बदल गया, वन टू वन को, हॉल मीटिंग को ऑनलाइन शिफ्ट कर दो, टोटल ऑनलाइन शिफ्ट कर दो। जूम का पैनल आता है, दो दो लोग जोड़ी बनाओ इसके अंदर, आगे बताऊंगा आगे के चैप्टर में, जोड़ी बनाओ, 500-500 रुपए, 1000 रुपए का खर्चा बैठता है अपना महीने का, जूम का एक्टिवेट कर लो और उसको एक्टिवेट करके दो दो लोगों की जोड़ी बनाओ। अपनी टीम के अंदर क्या क्या कर सकते, ज्यादा ज्यादा प्लान, ज्यादा ज्यादा प्लान। जूम के माध्यम से वीडियो कॉल आप करें, प्लान दिखाना है किसी बंदे को, वीडियो कॉल के माध्यम से बात करें, जब भी आप बात करें। यूट्यूब के माध्यम से आप जितने भी जो वीडियो है, महागुरु जी श्री देवेंद्र शर्मा जी की वीडियो सुने, महागुरु जी श्री नरसिंह देवाल साहब की वीडियो सुने, उन वीडियो को डाउनलोड करें, डाउनलोड करके उनकी कटिंग कर ले। कलाकारी इसी को बोलते हैं, क्या चीज करके, क्या चीज से, टीचर को टीचर समझाएगा, फौजी को फौजी समझाएगा, डॉक्टर को डॉक्टर समझाएगा, इसको कॉमन रेपो बोलते हैं। आगे बताऊंगा कॉमन रेपो के बारे में। ये जितना ज्यादा हम प्लान देंगे ऑनलाइन, जितने ज्यादा प्लान देंगे, ग्रुप प्लान को अवॉइड करें, यस ग्रुप प्लान को अवॉइड करें। ग्रुप प्लान में कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है, कुछ नहीं पता। कल बताऊंगा उस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत ज्यादा। दो दो लोगों की अपनी जोड़ियां बनाए और दो या तीन ही उसमें गेस्ट रहे। आजा भाई कर सवाल, अब क्या क्या करेगा, एक सवाल करेगा, मेरे समझ नहीं आया मेरा साथी देगा, मेरे साथी को कोई समझ नहीं आया मैं दूंगा, सामने गेस्ट बैठा एक और प्लान दे रहे दो आदमी, अब बताओ मुझे 99% डीडी आने के चांस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। वो बोलेगा मेरा मूड नहीं है, मूड के अंदर दूसरा आदमी एक्सपर्ट है, बोला सर आपका मूड मैं बनाता हूँ, सर एक मिनट टाइम देंगे, बोला हाँ ठीक आओ, बोलेगा पकड़ पकड़ के, जैसे कि महाभारत में जब जाते थे है ना, और अभिमन्यु अकेला लड़ रहा था, चारों तरफ बाकी योद्धा थे, दो दो लोगों की जोड़ियां बना लो। पहले दिक्कत होती थी, लोग बोलते थे हमारा अपलाइन कोई मदद नहीं कर रहा, हमारा अपलाइन तो हमारा साथ ही नहीं दे रहा। अब अपलाइन साथ नहीं देगा, अपलाइनों का साथ लेना है, अपलाइनों का साथ लेना है, प्लान में ट्रेनिंग में। आगे बताऊंगा हमारे लोग भी अब ऑनलाइन मिलना चाहते, गजब की बात। अब किसी भी आदमी को अगले एक साल तक, जिस तरह से पिछले एक महीने में हिंदुस्तान में जो मौतें हुई, जिस तरह से न्यूज, जिस तरह से लोगों के दिमाग में, जिस तरह से पैनिक स्थितियां बनाई है, कोई भी आपसे मिलना नहीं चाहेगा। उस स्थिति के अंदर हर आदमी ऑनलाइन मिलना चाहता है। खाना खाया, आपने इनवाइट कर रखा है, आधा घंटे में वो भी अपना पूर्ति करना चाहेगा कि आपसे मिल ले, मिलिए ऑनलाइन, मिलिए ऑनलाइन का रिचार्ज अपना करवाइए। कई बोलते मेरा जियो के अंदर ना पीसी नहीं है। अरे महाराज, साल में 5 मीटिंग है, साल में 500 की 5 मीटिंग है, यदि करता था तो 2500 रुपए होते थे, नहीं होते थे। एक रेड क्लब की मीटिंग में जाते थे 2500-3000 रुपए होटल के लगते नहीं थे। इसको हमारे गांव में बोलते हैं डली बचाने के चक्कर में भेली खो देना, गुड़ की डली बचाने के चक्कर में भेली खो देना। 25 रुपए में 2 GB आ जाता है, रोज 25 रुपए भी खर्च करते हो एक साल के कितने हो गए, 300 दिन को सीधा सीधा 50 रुपए से खर्च करो, 3×5=1500, 2000 रुपए हो गए, 1500-1600 रुपए में अपना प्लान एक और रिचार्ज कर लो दूसरे सिम में, साल भर का 365 दिन का हो जाएगा, बीवी का कर दो रिचार्ज, जियो का तो किसी का भी 365 रुपए में नहीं, 1600-1700 रुपए में 365 दिन के लिए रिचार्ज हो गया। मैडम का भी बार बार रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा, आपने आराम से एक बार हो गया, आपके में रोज जियो दे ही रहा है 2 GB, और मैडम वाले में एक रिचार्ज रोज कर दो, 12 महीने के लिए कलेश कट गया। आजा भाई कर मीटिंग, कितनी कर रहा, करिए सर रस्ते निकाल लें, सिंपल बात है। ये आपकी प्रॉब्लम है, हमको डायमंड जाना है तो उसका रास्ता अपने को निकालना, दैट्स ऑल। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन प्लान दिखाओ, सीखे हाउ टू स्टार्ट, सीखे। अगला टॉपिक फॉलो अप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपने गेस्ट से पर्सनली बातें करें, वन टू वन बात करें उसको, या तो वीडियो कॉल पे बात करें या जूम पर बात करें। डायरी अपने पास रखें, उससे सवाल करें, आपने प्लान देखा क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज समझ आई, ओवरव्यू निकालें। यदि आप डीडी निकाल सकते हैं तो ठीक है, यदि डीडी नहीं निकली आप तुरंत अपने ऊपर वाले अपलाइन का नाम लें, प्रमोशन करें थर्ड पार्टी के लिए, और आप उसको शिफ्ट करें, नोट करें उसके क्या क्या चैलेंजेस है। वो अपनी बहुत सारे चैलेंजेस बताएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम बताएगा, और आपका दोस्त हो सकता है वो, तो आप उसको बोलो कोई बात नहीं ठीक है, बट मेरे कहने से एक बार, बहुत ही हमारे सक्सेसफुल लीडर है, हमारे ग्रेट लीडर है और हम सब लोगों के मार्गदर्शक है, हमारी टीम में उनका एक बहुत बड़ा रोल है, मैं चाहूंगा, पैसे तो लग नहीं रहे, पेट्रोल भी नहीं लग रहा, चाय पानी का भी खर्चा नहीं है, मेरे भाई एक बार आज शाम को या कल
जैसे ही टाइम मिलेगा मैं मेरे सीनियर अपने को बुलाऊंगा और अपन बैठ के डिस्कशन करेंगे। और आपके ये जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपने बोले हैं ये मैंने नोट कर लिए, हालांकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर मैं बताऊंगा। उससे फिर कॉमन रेपो करें, यदि वो इंजीनियर है तो कोशिश करें कि कोई इंजीनियर आए, यदि वो नहीं आ रहा तो जो अपलाइन आ रहा है फॉलोअप के लिए ऑनलाइन, और अपलाइन भी टाले नहीं, कोई भी अपलाइन इस समय फॉलोअप के लिए टाले नहीं, जूम ऑन करना है फॉलोअप हो गया, इस समय आप लेट रहे हैं, आपका सोने का टाइम है, और उस समय टीम ने बोला सर फॉलोअप है, बोला यार मेरे को सिर में दर्द है, मेरे को जुकाम हो रहा है, नहीं बहाने नहीं बनाना, सकल पदार्थ है जगमाही कर्म ही नर पावत नहीं, ये जो वरदान है ये वरदान उसको देगा परमपिता परमेश्वर जो इस समय डिसीजन लेगा, जो इस समय लगातार अपने को और अपनी टीम को डेवलप करेगा। टीम ने बोला फॉलोअप, अरे मजा आ गया, गुवाहाटी में बैठे हुए आदमी का फॉलोअप आप अपने घर बैठ के करिए, आसाम में बैठे हुए आदमी का फॉलोअप करिए, बंगाल में बैठे हुए आदमी का कॉल करिए, चंडीगढ़ में बैठे हुए आदमी का फॉलोअप करिए, कितना इजी हो गया है आप देखिए एक बार। बस बात क्या है, हम इंतजार कर रहे थे लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन खुलेगा तो हम चंडीगढ़ में जाके ही फॉलोअप करेंगे, नहीं लोग नहीं मिलना चाहते, क्लियर हो गया, लोग हमसे मिलना नहीं चाहेंगे इस समय किसी भी सूरत में। हमको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो वरदान है उस वरदान को हमें लेकर उसका फायदा लेना होगा। ज्यादा से ज्यादा जब भी बात हो संभव हो तो आप टूल्स का इस्तेमाल करें, आप टूल्स में 10-15 वीडियो डाउनलोड कर लें, आप देवेंद्र शर्मा जी मागुरु जी की फॉलोअप कैसे करना है, प्लान कैसे दिखाना है, नेटवर्क मार्केटिंग में आजकल आई इफेक्ट जो है वो मागुरु जी बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग डाल रहे हैं, और मैं मागुरु जी श्री देवेंद्र शर्मा जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि मागुरु जी रोज एक वीडियो 15-20 मिनट का आज ऑनलाइन के माध्यम से पीछे की ट्रेनिंगों में जो जो थोड़ा सा करेक्शन आज के हिसाब से हो सकता है आपसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ आपका मेरे जैसे लोग आपके दर्शन करके यहां तक पहुंच गए, आपका साथ लेके यहां तक पहुंच गए, दूसरी कंपनियों के लोगों ने डायमंडशिप अचीव कर ली। आपसे रिक्वेस्ट है दो दो एक एक दो दो वीडियो जो है आप अपने चैनल के ऊपर इस समय कैसे 15-15 मिनट में बढ़िया बढ़िया कैसे हम ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जो टेक्निक्स हैं, हजारों किताबें जो आपने पढ़ी हुई है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके, सर बहुत बड़ा क्रांति आने वाला है और वो क्रांति आपके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं होगा। मागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल साहब से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जितने भी आपके 400-500 डायमंड है सर, रोज आप लगातार मीटिंगें ले रहे हैं, उनकी कटिंग करवा करवा के पूरी की पूरी वीडियो में से किस किस से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती है उनकी कटिंग करवा करवा के आप अपने चैनल पर जरूर डालें, क्योंकि आपका जो चैनल के जो वीडियो है सर वो हमारे और हमारे टीम के लिए अमृत की तरह काम करेंगे और बहुत ही एक वरदान साबित होंगे इस कोविड के दौरान। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी टेक्निक्स, बहुत किस तरह से मीटिंग करना है, किस तरह फॉलोअप करना है, फॉलोअप पे क्या करना है, बहुत सारे, और चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अभी पूरा अल्टीमेट अचीवर हमने जब बोल दिया कि आने वाले 6 महीने के अंदर ऑनलाइन डिपार्टमेंट में पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे आगे कोई होगा तो वो अल्टीमेट अचीवर होगा और वो सेल्स शॉप होगा, क्योंकि सबसे पावरफुल अपलाइन और सबसे पावरफुल सिस्टम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमारे पास है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम सिर्फ एक नाम नहीं है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम लोगों के दिमाग की धज्जियां उड़ा चुका है ऑलरेडी। बहुत सारे लोगों ने तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की आज भी दूसरी कंपनियों के लोग हंस लो दूसरी कंपनियों के लोग भी यूट्यूब के ऊपर हमारी ट्रेनिंगें सुन रही है। इसी का नाम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, इसी का नाम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है। थर्ड पार्टी का इस्तेमाल क्या है, थर्ड पार्टी का इस्तेमाल जब आप फॉलोअप कर रहे हैं तो वहां पर दूसरे जो लोग हैं, वो डॉक्टर है तो डॉक्टर का, टीचर है तो टीचर का, फौजी है तो फौजी का, सीए है तो सीए का, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का, उनकी स्टोरी सुनाएं, सफल कहानियां सुनाएं, लोगों के किस किस तरह से कोविड के दौरान वो किस तरह कर्जे में थे, किस तरह से कर्जे से निकले, किस तरह से वो परेशान थे लेकिन कैसे वो निकले। महिला, एक कौन सी महिला सक्सेस है, 10-15-20-30 अपने ही सिस्टम की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं का नाम लिखे, रेखा चौधरी जी का नाम लिखे, मंजू मंडल जी का नाम लिखे, अन्नपूर्णा जी का नाम लिखे, और बहुत सारी महिलाएं हैं हमारे बीच के अंदर जो हमारे पूरे सिस्टमों में है, पूरे सारे के सारे पूरे अल्टीमेट अचीवर में है, उन महिलाओं का नाम लें। बहुत सारी महिलाएं डायमंड बन गई, बहुत सारी रेड क्लब बन गई, उनकी हो सके कोशिश करके हम उनकी भी वीडियो फटाफट से आप लोगों के बीच में डलवाएंगे, उनका सपोर्ट लें, सपोर्ट से काम होगा, हम शक्तिमान नहीं है, डायरेक्ट खुद ही सब कुछ कर जाएंगे। थर्ड पार्टी का नाम लेकर कहानियां सुनाकर हमको काम करना है लेडीज एंड जेंटलमैन। इसके साथ अच्छे कपड़े, व्हाट टू डू फॉर न्यू गेस्ट, नए गेस्ट के लिए करना क्या है, अगले 5 मिनट में मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त।
काम करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी ऑनलाइन के टाइम पर बहुत सारे लोगों मैं देखता हूं यूट्यूब पर या फिर जूम पर बैठे रहते हैं और पीछे पिताजी के चड्डी बनियान सूख रहे होते है ना, पीछे फिर घर वाले स्टॉप मार रहे होते, पंप मार रहे होते, पीछे से बीवी आती है खाना खा ले, वो पीछे यार बेइज्जती कर दी तूने। तो ध्यान दे, आपका जगह तय करें किस जगह आपको बैठना है, आपके पास वहां पर लाइट प्रॉपर है कि नहीं, अपना बैकग्राउंड, कुछ लोगों के पास बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, किसी पेड़ के पास बैठ जाए, किसी कमरे में अपनी बैठक के बाहर बैठ जाए, कुछ ना कुछ, कोई कूलर चला देगा, हेलो सेफ शॉप, बहुत बड़ी कंपनी है सेफ शॉप, अरे भैया कूलर को बंद कर, पंखा चला, थोड़ा हिसाब से सेट कर। यू आर ऑल प्रोफेशनल, यू आर ऑल प्रोफेशनल, अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने, अपलाइन प्लान ले रहा है, मेरा गेस्ट है, मैं वीडियो ऑफ करके या वीडियो ऑन करके खाए जा रहा हूं, कुछ भी, चाय पी रहा हूं, इतनी देर में दो डेढ़ दो बारह घर में बैठी है, ए पापा कालू मेरी पिटाई कर रहा है, आ जा कालू को लाओ साले को पकड़ के मारते हैं उसको, अपलाइन प्लान दे रहा है, तू साड़ा सपाड़ा करता घूम रहा है। नो, एक आदमी जो आपके साथ जुड़ा है जूम पर, वो आने वाले टाइम का यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है। हेलो, अच्छे कपड़े पहने, रोज नहाए, सेविंग करें, सुबह से लेके शाम तक जो भी प्रोडक्टिविटी आप कर रहे हैं वो आपके और आपके नेटवर्क के हित में होनी चाहिए। परमपिता परमेश्वर साक्षात भोलेनाथ आपको देख रहे हैं, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही, कर्म सब कुछ तय करेंगे। अच्छा बैकग्राउंड रखें, सभी टूल्स या वीडियो की लिस्ट बनाएं, लिस्ट बना के लोगों के पास भेजें, फॉलोअप हो गया, फॉलोअप के बाद आप उनको एक वीडियो भेजें, बड़ा कंपनी का वीडियो भेजें, मां गुरु जी श्री देवेंद्र शर्मा जी का वीडियो भेजें, हमारे ट्रिप्स के वीडियो भेजें, विदेशों के अंदर किस किस तरह से लोग गए, अपना एक सेटअप बनाए। बहुत सारे लोग हमें मिलते थे, बोले सर आपकी ना मैं ये वाली वीडियो बहुत फॉलोअप पे यूज लेता हूं। अभी कलाकारी लगाओ, ऑनलाइन अपना एक फोल्डर बनाओ, फॉलोअप पे कौन सी वीडियो दिखानी है, प्लान के टाइम कौन सी दिखानी है, थर्ड पार्टी में सारे जितने लोग जो हैं, कौन कौन आदमी किस किस बैकग्राउंड से, उनकी फोटो आप अपने पास तैयार करके रखें, जो जैसा है वही सेट कर दें। ये सब चीजों आपको ध्यान देनी है। टूल्स का इस्तेमाल करें, वीडियो बनाएं, अपनी जोड़ी बनाकर काम करें, चार चार पांच पांच लोगों की जोड़ी बनाएं, पांच पांच लोगों को प्लान सिखाने पर फोकस करें, अपने लोगों को डेवलप करने फोकस करें, अपने लोगों का कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि आज मेरी टीम में छह लोग ज्वाइन हुए तो उन छह लोगों की FIM करनी है और उनको सिस्टम के बारे में बताना है, कंपनी के बारे में बताना है। तो चलो मैं रामकिशन यादव जी को बुला लेता हूँ, रामकिशन जी से आपने रिक्वेस्ट करी, मुकेश जी से आपने रिक्वेस्ट करी, शहजाद भाई से आपने रिक्वेस्ट करी, दीपू चंदू से आपने रिक्वेस्ट करी, अपने राजकुमार दक्ष जी से आपने रिक्वेस्ट करी, नागल जी से आपने रिक्वेस्ट करी, विक्रम जी से रिक्वेस्ट करी, त्यागी जी से रिक्वेस्ट करी, इन सब लोगों से रिक्वेस्ट करके जो हमारा रिक्रूटमेंट नया नया हो रहा है, उस रिक्रूटमेंट में जो लोग आए उसी तरह चलेगा ये बिजनेस। बेसिक का फंडा गाड़ देगा झंडा, बेसिक का फंडा गाड़ देगा झंडा। हमें फतेह करना है तो बेसिक का फंडा गाड़ देगा झंडा। बेसिक चीजें ही चलेगी ऑनलाइन भी, बस उनको कलाकारी लगा लगा के अभी, लेकिन 45 मिनट के चैनल से काम नहीं चलेगा। 45 मिनट में फटाफट मेरी मीटिंग बंद हो जाएगी। हाँ भाई, तो फिर मैं तेरे को ये बोल रहा था, ऐसे करके तो ज्यादा से ज्यादा प्लान देते जाओ और 40 बढ़ाओ, ये कर दो, ठीक है चलो ओके, फिर कल मिलते हैं, ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय। 45 मिनट में मैंने मीटिंग खत्म कर दी। अबे डॉल डुडाली बचाने के चक्कर में बेली मत खाओ, जोड़ी बनाओ, जोड़ी बदार आपका साफ सुथरा नहीं आए तुरंत आप उसको वीडियो ऑफ करके तुरंत बोलो सर कल से टाई लगा के आना है। दो जोड़ी क्यों बनवा रहा हूं मैं, जोड़ी इसलिए बनवा रहा हूं क्योंकि जोड़ीदार आदमी जब साफ सुथरा आया है और आप नहीं ना के आए तो आप गारंटी से अगले दिन ना धोके शेविंग करके आएंगे। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, लीडर को देखकर लीडर में भावना आती है, क्रांतिकारी वाली भावना आती है। मेरा एक्साइटमेंट देख के बहुत सारे लोगों के अंदर भी एकदम साला शक्तिमान आ रहा होगा। इसी तरह से एक को देख के हम लोग दमदारी वाली बातें करना शुरू करते हैं, लोगों की तारीफ करें। जिस भी बंदे को आप जुड़े, जो भी बंदे को जुड़े, सीधा उठाया, प्लान नहीं ठोक दिया। कभी भी काम करना होता है तरीके से करना होता है, उठा के डालना नहीं होता, उठा के पूरा प्लान डाल दिया उसके दिमाग में। आई डोंट लाइक, बातें करिए, टिकट नहीं लग रही है, बातें करिए उसके साथ, फैमिली के बारे में पूछिए
क्या लोग हैं, कैसे हैं, क्या चल रहा है, डिस्कशन करो। दुनिया भर की बीमारियां हो रही है लोगों को। डायबा केयर लिस्ट बना के रखो, बहुत सारे प्रोडक्ट है, लगातार कंटिन्यू ट्रेनिंग आएगी, आपको चिंता की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम कम है। डेवलप ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप, सातवां आता है लास्ट, अपने को ऑनलाइन बिजनेस में जो वर्कशॉप जो है वो डेवलप करने हैं। मैन लीडर जितने भी है अपने लीडर्स को जबरदस्त तैयार करें। जो बंदा जुड़ गया उसका तूफान बनना चाहिए। सर मेरी टीम काम नहीं कर रही, टीम काम नहीं करती है। लीडर को देख के टीम काम करती है, लीडर के जुनून को देख के लगता है टीम को साला अपना भविष्य बनेगा। लीडर क्या कर रहा है वही टीम करेगी, लीडर क्या कर रहा है वही टीम करेगी। अपने टीम के लोगों को मैंने एक शब्द लिखा है, जबरदस्त तैयार करें। एक होता है तैयार करना, जिम में जाते हैं ना तब भी तैयार होके जाते, एक शादी में जाते हैं तब भी तैयार होके जाते, दोनों तैयार होके जाते। तैयार नहीं करना, टीम को जबरदस्त तैयार करना है, लोगों को सही टेक ऑफ कराएं, नए लोगों को किस किस तरह दिमाग लगाएं अपना, ज्यादा से ज्यादा अपने अपलाइन के साथ बैठे डिस्कस करें, वीडियो प्रोडक्ट डिटेल फंक्शन, वीडियो अचीवर्स, फोटो टारगेट, हीरो ऑफ द डे, हीरो ऑफ द वीक, उनकी चेक, 5,000 का चेक, 8,000 का चेक, 10,000 का चेक, 12,000 का चेक, 15,000 का, 20,000 का, सप्ताह की ऑनलाइन मीटिंग, कौन बंदा आ रहा है, प्रमोशन करें। अभी जैसे कल दोबारा से योगेश यादव आएगा, साला प्रमोशन होना चाहिए तगड़ा वाला, फिर उसके बाद में मामू जी श्री के अंदर चौधरी साहब आएंगे, प्रमोशन होना चाहिए तगड़ा। एक सफर के एक ताकतवर लीडर हमारे जीवन में बड़ा बदलाव करने के लिए आ रहा है, उसका क्या होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए। माधुरी जी नरसिंह ग्रेवाल साहब रोज हमें दिखाई देते हैं, फोर्ब्स मैगजीन गूगल पे डाल, साला भूतों को तो फोर्ब्स की स्पेलिंग नहीं आती, फोर्ब्स मैगजीन में जिनका नाम है, इतने पावरफुल लीडर रोज हमारे साथ हमारे जीवन को बदलने के लिए आ रहे हैं। उनके अंदर एक पावरफुल क्रांति देना है अपने को, ये अपने को सिस्टम बनाना पड़ेगा। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, हमेशा टीम यदि देखनी है तो उसके अपलाइन को देख लो, अपलाइन दमदार है तो टीम अपने आप दमदार बनेगी, अपलाइन ढीला है तो टीम कितनी ताकतवर बनेगी। मैं अपने शब्दों से बोलना नहीं चाहता, सब समझ गए हैं। रोज 30 मिनट कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम बनाए, उनको समझे, आगे बढ़ाए, उनको समझे क्या प्रॉब्लम है, चैलेंज क्या है, दिक्कत क्या है। ईगो, 3 कार्डिनल रूल का फॉलो करें, 3 पावर्स का इस्तेमाल करें, हल्की बात नहीं करनी। वो बोलेगा कोरोना, सर कोरोना है, बिल्कुल है, ये नहीं बोले व्हाट इज द कोरोना, व्हाट इज दिस कोरोना, साला कोरोना क्या होता है कोरोना, नो हमको बोलना है एब्सोल्युटली राइट सर, सही कह रहे हो, कोरोना ने बिल्कुल दिक्कत कर रखा है, लेकिन सर हम एक मुखिया है, हम पूरे प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए, गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए अपने काम की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन काम सेफ तरीके से कैसे काम बढ़ सकता है, ये हमें सक्सेस सपोर्ट सिस्टम सिखाता है। आइए सर, न्यूज में परेशान होके इतनी देर मुझकी बीवी बोलेगी भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो, ये 24 घंटा न्यूज देखते रहते हैं, ये 24 घंटा टीवी देखते रहते हैं, तो आपको ये नहीं बोलना भाई साहब शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ, नो, उनको बोलो भाभी जी कोई बात नहीं, अभी टाइम ऐसा चल रहा है, अभी मैं आ गया हूं, हम और भाई साहब दोनों मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे और ये टाइम भी निकल जाएगा। बजाओ जोरदार तालियां, एक दूसरे का प्रमोशन करो दमदारी के साथ में। दोस्तों इस तरह करके ये सारी चीजें थी, और हाउ टू विन चौथा स्टेप है, हाउ टू विन बिल्ड योर बिजनेस, हाउ टू विन टारगेट एंड ग्रैंड सक्सेस।